हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी की हमारी FNO सीरीज में। पिछले वीडियो में बात करी थी कि ऑप्शन प्रीमियम एक्चुअली क्या होता है। उसके अंदर दो चीज़ें आती है, इंट्रेंसिक वैल्यू एंड एयर टाइम डिके, या फिर प्रीमियम जो भी आप नाम दे सकते हो उसका आता है। ये दो चीज़ें उसके अंदर होती है। तो उसी के बेस पे आज हम तीन टाइप के ऑप्शन को डिफाइन करेंगे, तीन तरह के ऑप्शन यहाँ पे बात करेंगे। एक है ITM, एक है ATM और एक है OTM। नाम से आपको पता चल जाएगा, ITM का मतलब होता है इन द मनी, ATM का मतलब होता है एट द मनी, और OTM का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। तो इन तीनों का मतलब क्या है, जस्ट एग्जांपल मैं देता हूं कि अभी यहां पे इंडसइंड बैंक आपको दिख रहा है, इंडसइंड बैंक का स्पॉट प्राइस अभी यहां पे 1,080 रुपये चल रहा है। तो अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइस इसके नीचे की है, CE में अगर नीचे के, तो वो ऑलरेडी विनिंग है। कहीं से ऑप्शन का मतलब क्या था, दो लोग आके बैट लगाते हैं। अगर कोई यहाँ पे बैट लगाता है कि 1,060 है, 1,040 है, यानी कि एक इसके स्पॉट प्राइस के कोई भी नीचे की जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे बैट लगाता है, सी का मतलब कि इसके ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पे 2% बैट लगा रहे हैं, एक बाय कर रहा है 1,060 का सी और एक सेल कर रहा है 1,060 का सी। वो क्या बात कर रहे हैं, बाइक वाला कह रहा है कि मार्केट 1,060 के ऊपर रहेगा, मतलब इन द सेंस इंडसइंड बैंक ये बोल रहा है नहीं रहेगा। तो हम बाइंग की ओर जाएंगे, उसका व्यू क्या है। तो क्या अभी इस वक्त पे क्या 1,060 के ऊपर मार्केट है? बिल्कुल है, 1,080 खड़ी हुई है, यानी कि ये ऑप्शन ऑलरेडी विनिंग है, ये ऑप्शन ऑलरेडी जीत चुका है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, यानी कि इसके पास 20 रुपये प्रीमियम है। कैसे, अगर आज ही के दिन एक्सपायरी हो जाए और 180 का ये स्टॉक क्लोज हो जाए, तो 1,060 जो प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 20 रुपीज़ की। वो इतने ऊपर उसके ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जो स्ट्राइक प्राइस के जितने ऊपर ट्रेड करेगा वही उसकी फाइनल वैल्यू होगी एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी कब होती है, मंथ के आखिरी थर्सडे पे, 3:30 पे वो प्राइस आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी विनिंग ऑप्शन है। अभी मान लीजिए जो स्पॉट प्राइस है, अगर मैं वही स्ट्राइक प्राइस ले लूँ, वही स्ट्राइक प्राइस की 1,080 का मैं सी ले लूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर जाएगा। अभी मार्केट कहाँ पड़ा है, बिल्कुल पिन पॉइंट वहां पे खड़ा है, ना मैं विन हूं ना मैं लूज हूं अभी के लिए। तो इसको बोलेंगे हम ATM प्राइस। और OTM, अगर मैं इसके ऊपर का कोई भी ले लूँ, 1,090 है, 1,120 है, 1,140 है, 1,200 है, यानी कि ये ऑप्शन अभी लूज है, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट आया नहीं। जब आएगा तभी क्या लाएगा, ये विन होंगे, यानी कि ये लूजर्स हैं। तो अब इन तीन के बेस पे हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, यानी कि जो तीन तरह के ऑप्शंस प्रीमियम्स हैं उसके अंदर क्या होता है वो देख करते हैं। ITM, ATM एंड OTM, अभी तीनों की हम प्राइस चेक करते हैं। यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, जैसे इंडसइंड बैंक खड़ा हुआ है, कितने पे खड़ा हुआ है इंडसइंड बैंक, 1,082 पे। मैं यहाँ पे तीन ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है सर, आपके सामने। इंडसइंड बैंक पहला हम लेते हैं 1,060 का, तो मैंने 1,060 का सी लिया। दूसरा हम लेते हैं 1,080 का सी लिया है, और तीसरा हम लेते हैं 1,100 का सी। कहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है शायद, हाँ, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। तो अभी आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें हैं, कौन कौन सी, कहाँ चला गया 1,100 का, ये देखिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। एक है 1,060, एक है 1,080 और एक है 1,100। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा OTM, ITM, ATM है। नॉर्मली अभी मार्केट का क्या प्राइस क्या चल रहा है इंडसइंड बैंक का, 1,080 रुपये। तो 1,060 वाला ऑप्शन 43 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी विन है, क्योंकि 1,060 के, 1,080 के ऊपर तो मार्केट, 1,080 की तो मार्केट है, यानी कि 1,060 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये है ITM, 1,080 पे खड़ा हो रहा है, 1,080 का ऑप्शन है, तो ये क्या है ATM, और 1,100 का है और यहाँ पे 20 रुपये पे खड़ा हुआ है, तो ये क्या है OTM, यानी कि अभी यहाँ तक पहुँचना है। अभी तीनों का प्रीमियम लेके हम थोड़ी बात करेंगे, ठीक है सर। क्या प्रीमियम है, यहाँ पे 1,060 का प्रीमियम का चल रहा है 43,
1080 का प्रीमियम चल रहा है 31, और 1100 का प्रीमियम चल रहा है 20। अब हम इसको डीलॉक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बढ़िया है। समझिए, 1080 पे मार्केट खड़ा हुआ है। अब मान लीजिए यहीं पे ही मार्केट एक्सपायरी के दिन क्लोज हो जाता है, तो इन सब ऑप्शन की प्राइस क्या होगी? जो 1060 वाला है, तो 1060 के ऊपर मार्केट कितना खड़ा हुआ है? 20 पॉइंट खड़ा हुआ है, तो इसकी प्राइस हो जाएगी 20। अब 1080 का है और 1080 पे ही मार्केट खड़ा हुआ है, तो ना ज़्यादा ना कम इसकी प्राइस हो जाएगी 0। अब 1100 पे बात हुई थी, लेकिन 1100 के बाद पहुंचा ही नहीं, तो इसका भी प्राइस हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम गौर से देखें, अब दो कंसेप्ट याद कीजिए, प्रीमियम एंड एयर का। तो इस 43 अंदर आपको लग रहा है 43 बहुत ही एक्सपेंसिव है, बैट लग रहा है तो 20 पे लगाओ, लेकिन एक चीज़ समझिए कि इस 43 रुपीज़ में 20 रुपये तो प्रीमियम पड़ा हुआ है, यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू है कि ये तो आपकी मिलनी ही मिलनी है। अगर यहाँ पे भी खत्म हो गया तो इसके अंदर एयर कितना है? सिर्फ और सिर्फ 23 रुपये। जबकि जो ATM स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर एयर कितना है? पूरा का पूरा 31 रुपये, पूरा 0 हो जाएगा। और OTM में तो पूरा का पूरा 20 रुपये प्रीमियम है ही, यानी कि एयर है ही। तो अब आप मुझे बताएं सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? सबसे बढ़िया है ये, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा बढ़ गया, यहाँ से 1080 की जगह 1100 पहुँच गया, तो ये प्रीमियम का प्राइस हो जाएगा सीधा 40 रुपये, है ना? सीधा 40 हो गया, जिसके अंदर 40 रुपये क्या हो गया, कहा गया सीधा आ गया इंट्रेंसिक वैल्यू। तो इससे आपको एक लॉजिक समझ में आया कि जो भी ATM प्राइस होती है, ATM स्ट्राइक प्राइस कौन सी, कि जहां पे मार्केट खड़ा है उसी का ही ऑप्शन, चाहे वो 1080 का P हो या C हो। क्यों? क्योंकि दोनों अभी इंट्रेंसिक वैल्यू किसके पास कोई नहीं है, क्योंकि वहां पे तो मार्केट खड़ा हुआ है, तो ना ही जीतना का चांस है ना ही हारने का। तो उसमें पूरा का पूरा जो प्रीमियम जो आप पे करते हैं वो ज्यादा होता है, और वो सारा का सारा एयर या फिर प्रीमियम या फिर टाइम डीके, आप तीनों में से जो नाम दे वो होता है। तो ATM स्ट्राइक प्राइस आपको जिंदगी में बाई नहीं करनी चाहिए। सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होता है? ITM। इसके अंदर आपको एयर एयर कम होती है, और प्रीमियम जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ऑलरेडी विनिंग है। अगर विनिंग है तो इसके अंदर एयर भरने से क्या फायदा है, ये जीत ही रहा है, तो क्योंकि उसको अल्टीमेटली यहां तक तो पहुंचाना है ना, तो इसको एयर भरने से क्या फायदा है? जितना आप ATM लेंगे, अब इसके अंदर आपको कितना मिला, अभी जो हमने ATM कहा था कितना था, 1060 का था, उसके अंदर हमारा 43 का प्राइस था, उसके अंदर 20 रुपये का क्या था, क्या था 20 रुपये इंट्रेंसिक वैल्यू, और 23 रुपीज़ क्या था टाइम वैल्यू जो 0 होने वाला है। अब मैं और इसके नीचे जाता हूँ, अगर मैं और डीप ATM लेता हूँ, OTM लेता हूँ, मान के ITM लेता हूँ, मैं इंडसइंड बैंक का लेता हूँ 1040 का C। अब देखिए मैं 20 पॉइंट और नीचे गया, तो मुझे और एयर कम पड़ेगी। क्यों? इसका प्राइस क्या है? 47, 57। अब देखते हैं ये क्या है, 1040 का सी मुझे मिल रहा है 57 में। अभी मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है? 1080 समझ लीजिए। तो इसके अंदर 40 रुपये ऑलरेडी इंट्रेंसिक वैल्यू है, कि ये मान लीजिए यहाँ पे क्लोज हो गया तो भी ये 40 रुपये का प्रीमियम बचेगा, तो उसके अंदर सिर्फ 17 रुपये का एयर बचा हुआ है। ये तो बढ़िया बात है, इसके अंदर 23 रुपये का है, इसके अंदर 17 का है। मैं और नीचे जाऊँगा और ये एयर कम होता जाएगा, और ये ऑप्शन चलेंगे ऊपर की तरफ, तो फ्यूचर की तरह स्ट्रेट चलेंगे, क्योंकि सारा का सारा इंट्रेंसिक वैल्यू ऐड करना है ना इसमें। समझे आप लॉजिक, समझे आप क्या है? अब इसके लिए हम पुट की बात करते हैं। पुट के लिए 1080 पे मार्केट खड़ा हुआ है, अगर 1080 का मैं पुट बाय करता हूँ तो ये क्या हो गया, इसके लिए ATM हो गया। अगर मैं 1100 का पुट बाय करता हूँ तो वो क्या हुआ, ATM या फिर ITM? ये हुआ ITM, क्योंकि पुट में हम बात क्या करते हैं कि मार्केट इसके नीचे रहेगा, और इसके नीचे ऑलरेडी है मार्केट 20 रुपये, ऑलरेडी मार्केट नीचे है 1100 के, तो ये हुआ ITM। और अगर मैं बात करूँ 1060 का P तो वो क्या होगा, OTM, क्योंकि उसके नीचे अभी आना टाइम है, दूर है, तो ये हुआ OTM। इसमें भी सेम चीज़ होगा, चलिए इसका भी हम प्रीमियम निकालते हैं कितना होगा, 1000 का P, 1080 का P, 1100 का और 1060 का। देखिए इसमें भी सेम चीज़ होगा, 1100 के P में आपको कम इंट्रेंसिक वैल्यू देखने को मिलेगा। देखिए चलते चलते हैं, आपको लाइव दिखाता हूँ तो आपको मज़ा आ जाएगा। इंडसइंड बैंक का 1000 रुपया ले लेते हैं, 1100 का P यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये लिया हमने 1100 का P। अब हम इसमें क्या लेते हैं, 1080 का P, और तीसरा लेते हैं 1060 का P। अब तीनों की प्राइस देखिए,
अरे वाह, देखिए क्या चेंज आ गया। यहाँ पे क्या है कि ये जो 1100 का पी है उसकी प्राइस है 34, अभी मार्केट क्या चल रहा है 1080। तो पी वाले क्या बोलते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं कि इसके नीचे रहेगा, 1100 के नीचे रहेगा। ऑलरेडी ये 20 रुपये नीचे है, तो ये 34 के अंदर 20 रुपये क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू है, और 14 रुपये ही टाइम वैल्यू है। अब इसके अंदर देखेंगे 1080 के नीचे रहेगा, लेकिन 1080 पे तो खड़ा हुआ है, तो इसका ये पूरा का पूरा 24 रुपीज़ टाइम वैल्यू है, और इसका 16 का 16 पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। तो एटीएम तो ज़िंदगी में बाई नहीं करना है, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू होता है, आपको वैल्यू प्राइस की कुछ नहीं मिलेगी, टाइम देना पड़ेगा सिर्फ। तो अच्छा है ओटीएम बाई कीजिए, तो या तो आईटीएम बाई कीजिए। आईटीएम के अंदर आपका एयर टाइम डीके बहुत ही ज़्यादा कम होता है। आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको कैसा लगा, मज़ा आया, कुछ जानने को मिला, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, जिससे मुझे पता चले, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो के आपके लिए और कंटेंट लेके। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो धन्यवाद।